1950 के दौरान लखनऊ के आसपास के इलाकों में बाढ़ आई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहां दौरे पर आए थे। लौटते समय अमौसी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी ने गोरखपुर के एक कांग्रेसी नेता के साथ लंबी मीटिंग की। अगले दिन अखबार इस बात से भरे पड़े थे कि इस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कयास सही साबित हुए। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और इस गोरखपुरिया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस शख्स का नाम था वीर बहादुर सिंह। कहा जाता था कि वह राजीव गांधी के कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें कुछ खास कामों के लिए नियुक्त किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। 18 जनवरी 1935 को गोरखपुर के हरनाही गांव में जन्मे वीर बहादुर सिंह 1942 के भारत छोड़ आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। युवा नेता ओम प्रकाश पांडे के साथ राजनीति में उतरे वीर बहादुर पांडे की अचानक हुई मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति में उभर कर सामने आए। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो किसी भी कुशल राजनेता को विचलित कर देती थी, लेकिन वीर बहादुर जी निरपेक्ष होकर अपना काम करते रहे। नारायण दत्त तिवारी के बाद जब प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर वीर बहादुर सिंह ने पद का दायित्व संभाला, तब यूपी बाढ़ की आपदा से त्रस्त था और तिवारी के जाने की बौखलाहट से भरा हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो अच्छे अच्छे कुशल राजनेताओं को विचलित कर देती, पर वो निरपेक्ष भाव से अपना काम करते रहे। वीर बहादुर सिंह 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पनियार निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन जिला गोरखपुर से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। दोबारा 1969, फिर 1974 और फिर 1980 और 1985 तक 5 बार यूपी विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। 1988 से 1989 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1970, 1971 से 1973 से 1974 तक वह उपमंत्री भी रहे। इसके बाद 1976 से 77 के बीच वो राज्य मंत्री भी रहे। 1985 में 24 सितंबर को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा वो जिला युवक कांग्रेस गोरखपुर के संयोजक भी थे। वीर बहादुर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्थायी निमंत्रित सदस्य थे। सीएम बनने के बाद वीर बहादुर सिंह जब पहले दिन मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने एक दिलचस्प ऑर्डर पास किया। उन्होंने आदेश दिया कि सारे मंत्रियों को हर हाल में सुबह 9:45 तक कार्यालय आना होगा। सचिवालय के गार्डो को कह दिया कि 10:15 पर सारे गेट बंद कर दिए जाएं और चाबी उनको सौंप दी जाए। सीएम ने सुरक्षा गार्डो को यहां तक कह दिया कि अगर निर्धारित समय के बाद कोई मंत्री सचिवालय आता है तो उनको अंदर ना घुसने दें। इस आदेश की पहली गाज लोकपति त्रिपाठी पर गिरी, जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। सीएम के आदेश के पहले ही हफ्ते त्रिपाठी देरी से सचिवालय पहुंचे। तब तक गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया था और चाबी मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। वीर बहादुर सिंह ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो बार बार दिल्ली भाग कर ना जाएं। अधिकारियों को भी दो टूक कह दिया कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में किसी तरीके की हीला हवाली बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। वीर बहादुर सिंह सिर्फ आदेश देने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि जो कहते थे वह करते भी थे। उन्होंने आदेश ना मानने वाले अफसरों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। पहला एक्शन बाराबंकी के डीएम पर हुआ, जो बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करने में नाकाम रहे थे। उनके आदेश से नौकरशाही में खलबली मच गई थी। कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह 1980 तक वीपी की सरकार में मंत्री बनने के बावजूद कुछ खास नहीं थे। राजीव गांधी भी पसंद नहीं थे, पर ऐसा कहा जाता था कि अरुण नेहरू से नजदीकियों के चलते उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था। लेकिन 24 सितंबर 1985 को उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कहा जाने लगा कि अब इनके वनवास के दिन नजदीक आ गए हैं। पार्टी के लोग वीर बहादुर को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वीर बहादुर को जबरदस्ती राज्य पर थोपा गया है। वीर बहादुर भले ही सीधे साधे बने रहते थे, लेकिन थे बड़े तिकड़मी। जो लोग उनकी आलोचना करते थे उन्हें धीरे धीरे बाहर निकलवाना शुरू किया।
वीर बहादुर कहते थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग राजनीति में जन्म लेते ही विधायक बन जाना चाहते हैं और विधायक बनते ही मंत्री। वीर बहादुर सिंह के शासनकाल में 37 जिलों में दंगे हुए। मेरठ के दंगों में 181 लोग मरे। अयोध्या विवाद शुरू हुआ। 16 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सिनेमा थिएटरों समेत 29 संस्थानों ने हड़ताल की। राज्य में ऐसा सूखा पड़ा जो पूरी शताब्दी में नहीं पड़ा था। किसानों के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के आवाहन पर पूरी ग्रामीण जनता हथियार उठाने के मूड में थी, पर वीर बहादुर के पास हथियार बहुत थे। सत्ता अपने पास रखना उनको आता था। उनका पहनावा भदेस था। जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने सलाह दी कि कपड़े वगैरह ठीक ठाक पहना कीजिए, ये क्या लुंजपुंज रहते हैं। इसके बाद वीर बहादुर ने मेकओवर कर लिया। वो शेरवानी पहनने लगे और साथ में गोल्डन फ्रेम का चश्मा भी। लेकिन कहते हैं वो फिर भी अपना भदेसपन कभी छोड़ नहीं पाए। पार्टियों में देसी अंदाज में ही नजर आते थे। ये भी कहा जाता था कि काम काज के मामले में भी उनमें सीरियस मुख्यमंत्री वाले लक्षण नहीं थे। वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य कराए गए थे, जिनको यूपी की राजनीति के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने पर जोर देते थे। देश की राजनीति से जुड़े रहने वाले वीर बहादुर सिंह ने 1990 में पेरिस यात्रा के दौरान अंतिम सांस ली। इनकी मौत को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। वीर बहादुर सिंह की मृत्यु के इतने समय बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि प्रदेश की मिट्टी से जुड़े रहने वाले शख्स ने विदेश में अंतिम सांस ली। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।